हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अशोरा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी, इस भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियां पर देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो के अंत तक होगी पूरी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी लास्ट डेट के बारे में, जो कुछ डेट्स हैं आपको याद रखनी होगी। तो बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन सबमिशन डेट की। तो यहाँ पर 5 मार्च से शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन और आप 5 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों 5 मार्च 2019 तक शाम को 5 बजे तक जो है आप इसकी रिसिप्ट ले सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं 7 मार्च 2019 तक शाम को 5 बजे तक। ठीक है, और दोस्तों यदि चालान के माध्यम से बात करें तो आप इसमें चालान जनरेट करने की जो दिनांक है 4 अप्रैल 2019 और दोस्तों चालान जमा करने की जो दिनांक है 9 अप्रैल 2019 तक आप इसमें चालान के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम कब होगा इसकी बात करते हैं। तो 1 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि Tier 1 होगा। और दोस्तों बात करें इसमें टोटल एग्ज़ाम की, इसमें 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जाता है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट यहां पर 1 जुलाई से 26 जुलाई तक, और दोस्तों Tier 2 की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 29/9/2019 को कराया जाएगा। दोस्तों जो Tier 1 को क्वालिफाई करेगी यहाँ पर, उसे Tier 2 में भाग लेने के लिए आप एलिजिबल हो गए। और दोस्तों बात करें यदि Tier 2 की, तो Tier 2 होता है आपका एक स्किल टेस्ट, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट आपको हिंदी या इंग्लिश में देना होता है। दोस्तों Tier 2 की बात करें तो इसमें आपको क्या करना होता है कि ये आपका रिटर्न होता है Tier 2, इसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है और एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। ठीक है, ऐसे एंड एप्लीकेशन लिखनी होती है, इसके लिए आपके लिए निर्धारित समय मिलता है। और दोस्तों आपको Tier 2 यदि आप क्वालिफाई करते हो तो आपको Tier 3 में आपके लिए जगह बनाते हो आप एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल आपको दोस्तों इस वीडियो में हम देंगे। बस बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की है, सीनियर सेक्रेटराइट असिस्टेंट की है, और दोस्तों इसमें जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है और पोस्टल असिस्टेंटल के लिए भी इसमें पोस्ट है। ठीक है, और दोस्तों हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए भी इसमें पोस्ट है। तो दोस्तों में क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है इसकी भी बात होगी। सबसे पहले इसमें सैलरी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आपके 5200 से 2200 रुपये और दोस्तों यहाँ पर 1900, 2400 और 2400 ग्रेड पे के साथ आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, परमिसेबल डिसेबिलिटी, यहाँ पर आप डिसेबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया है उसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वह बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर SC के लिए 5 वर्ष एज में रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC के लिए 3 ईयर का। और दोस्तों यहाँ पर बात करें यदि एज की, तो आप 18 से 27 वर्ष हो तो सामान्य कैटेगरी में आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों SC के लिए 5 वर्ष रिजर्वेशन, OBC के लिए 3 वर्ष, और दोस्तों यहाँ पर PWD मतलब दोस्तों पीपल विथ डिसेबिलिटी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर का यहाँ पर रिजर्वेशन है, और PWD OBC के लिए 13 ईयर का, PWD SC ST के लिए 15 ईयर के यहाँ पर रिजर्वेशन आपके लिए किया गया है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कुछ और यहाँ पर रिजर्वेशन हैं, जैसे कि आपके एक्स सर्विसमैन और अदर लोगों के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक्स सर्विसमैन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इसके लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LDC, JSA और PASA यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की। यदि आप 12th पास हैं दोस्तों किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर, तो आपको साइंस स्ट्रीम में मैथ्स मैथमेटिकल्स एज आ
सब्जेक्ट आपने यदि साइंस से किया है, यदि आपने ट्वेल्थ अपना कंप्लीट, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैथमेटिकल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों और जो हाउ टू अप्लाई, तो आप दोस्तों एसएससी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं फीस पेमेंट की, तो इसमें दोस्तों 100 रुपया फीस पेमेंट रखा गया है ओबीसी और यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए, और दोस्तों एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है। यदि बात करें फीस पेमेंट की, तो आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल से इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे आवेदन करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 7/4/2019 तक इसमें फीस पेमेंट की जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों आपको आपके स्टेट वाइज सेंटर यहां पर दिए जाएंगे, तो आप जिस भी रीजन से यहां पर अप्लाई करेंगे, आपको उस रीजन में जो यहाँ पर सेंटर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल रीजन्स के लिए दिया गया है, ईस्टर्न रीजन्स के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों सेंटर्स की लिस्ट भी दी गई है, तो आप उन सेंटर्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश रीजन्स के लिए बात करें, तो आपका मध्य प्रदेश रीजन्स के लिए आपका बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, ठीक है, भिलाई नगर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन और सागर यहाँ पर सेंटर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न के लिए दोस्तों बात करें, तो ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और दोस्तों तेजपुर और भी बहुत सारे यहाँ पर सेंटर दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है जो सिलेबस रहेगा आपका, तो इसमें दोस्तों टीयर वन के लिए आपका सिलेबस रहेगा 25 अंकों की यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, जो कि यहाँ पर दोस्तों 200 अंकों का पेपर होता है, पर क्वेश्चन जो है 2 अंक का होता है, ठीक है। तो आपका 25 की इंग्लिश आएगी, 25 का इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और दोस्तों क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका 25 अंकों का आएगा, मतलब 50 नंबर को, जनरल अवेयरनेस आपकी 25 अंकों की आएगी, मतलब 50 नंबर की, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस में, 25 क्वेश्चन यहाँ पर चारों में होंगे दोस्तों, इस प्रकार आपके 200 अंक बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं टीयर टू की, ये तो हुआ अपना टीयर वन और टीयर टू की, यदि यहाँ पर बात करें तो पहले इसके बारे में बता चुका हूँ, यदि आप डिटेल में यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। टीयर टू के लिए यहाँ पर जो दिया गया है 100 मार्क्स इन पेन एंड पेपर मोड में यह एजुकेशन यह एग्ज़ाम जो है आपका कराया जाएगा, और दोस्तों 100 मार्क्स का होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हैंडीकैप्स के लिए, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ऐसे होगा जो आपको 200 से 250 वर्ड में लिखना होगा, और एक एप्लीकेशन होगी जो आपको 150 से 200 वर्ड में लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यदि टीयर थ्री की, जो कि आपके आपका स्किल टेस्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट फॉर द अदर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द कमीशन और इट्स अथोराइज्ड एजेंसी, तो दोस्तों आपको उसी कंप्यूटर पर यह टेस्ट देने मिलेगा जो कि यहाँ पर कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सिटीज, ठीक है, आपको उन सिटीज में सेंटर मिल जाएंगे इसके जहां पर निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट का आपका समय होगा इसमें यह कंप्लीट करने के लिए, और आपको 2200 कीज मतलब आपको टाइप करनी होगी 15 मिनट में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपने जो है यदि आप हिंदी से टाइपिंग सेलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अदर जो यहाँ पर LDC, JSA और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए आप यदि इंग्लिश से अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए 35 वर्ड यहाँ पर मिनट के हिसाब से टाइप करना होगा, और दोस्तों यदि आप हिंदी से टाइप करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग स्पीड लानी होगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बाद में दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर डिटेल है जो आप मेरे हिसाब से अभी आपके काम की नहीं है, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इतना काफ़ी है आपके लिए। यदि आप दोस्तों इसकी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो में इतनी जानकारी आप तक पहुंचानी थी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इससे यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।